नमस्ते हम लोग सावित्री में पेज छः सौ पंचानवे सिक्स नाइन्टी फाइव पर हैं और अब वो क्षण आ गया है जब सावित्री सुप्रीम जो जिनके बारे में केवल इतना कहा जा सकता है कि एब्सल्यूट सबके परे और उनकी फाइनल सील अथॉरिटी वह उनसे वो मांगने वाली हैं जो आज तक किसी ने नहीं मांगा और शेर अरविंद इसको ऐसे कहते द बून वी है वास्ट फ्रॉम द सुप्रीम इज द हाइस्ट बून दैट अर्थ इज एवरास्ट तो अब ये बात इसमें एक जो ये निकलती है कि सावित्री की कथा तो बहुत पुरानी है ये महाभारत के समय कहा जाता है कि वैदिक काल की कथा है तो वैदिक काल की कथा, तो कथा में तो ये ऑलरेडी मांग लिया गया था लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सावित्री ने एक व्यक्तिगत विजय उसकी संभावना खोली थी सत्यवान की मृत्यु होती है और वो सत्यवान के पिता जो अंधे हैं उनके लिए आँखें उनके राज्य की वापसी और सत्यवान के द्वारा अनेकों संतान और तब वो सत्यवान को वापस मांगती हैं और वो ये हवाला देती हैं कि अगर तुमने मुझे संतान का वरदान दे दिया है तो मुझे तो बिना सत्यवान के मैं ये वरदान तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता है आप तो धर्मराज हो और आप मुझे अधर्म के लिए प्रेरित कर रहे हो यदि सत्यवान वापस नहीं आता है तो ये सावित्री की मूल कथा में है अब ये एक व्यक्तिगत विजय है अगर हम सावित्री की ओरिजिनल स्टोरी में जाएं, तो सत्यवान की आयु का तो ऐसे वर्णन ही है जब उसकी मृत्यु होती है लेकिन ये जंग ऑब्वियसली नई नई शादी हुई है एक वर्ष के अंदर तो ही कान बी ओल्ड और शरीर में वापस आने के बाद 400 वर्ष तक सत्यवान भौतिक शरीर में रहते हैं माता जी इस विषय में ये लिखती हैं कि सावित्री कई बार मात माँ के डिवाइन मदर के अंश अवतार हुए हैं और उसमें वो मेंशन करती हैं लाइक द स्टोरी ऑफ सावित्री सावित्री एक अंश अवतार है और वो एक बृहत कार्य की नींव डाल के गई हैं तो क्या नींव डाल के गई हैं वो ये कि संसार में यह संभव है कि मृत्यु पर विजय पाई जा सके अब इंटरेस्टिंग बात यह है इस कहानी में जो बड़ी क्रिप्टिक सी है सावित्री धर्म का हवाला देती है अब इतना तो निश्चित है कि वेदिक ऋषि धर्म को एक केवल एक सीमित मॉरल सेंस में नहीं देख रहे थे वो कहती है कि तुम तो धर्म हो और यह संतान कैसे संभव है आ, पति के वापस आए बिना तो एक पार्ट है इसमें कंजुगल लव लेकिन कंजुगल लव में जो चीज उस धर्म के पीछे खड़ी है जिसका वो हवाला दे रही है सावित्री वो है प्रेम वो पीछे खड़ा है क्योंकि यह प्रेम ही है दोनों के बीच में जो अपने उच्चतम स्वरूप में धर्म का रूप ले लेता है वही प्रेम की शक्ति यहाँ पर एक सीमित और जिसको कहा जाए कि गंगोत्री और गोमुख का जल यहाँ पर बिल्कुल विकृत नालों में बहता है और यही चीज़ हम सावित्री की इस स्टोरी में भी देखते हैं एपिक में जहाँ सावित्री कहती हैं कि प्रेम के लिए सब कुछ संभव है लेकिन उसको पहले सत्य के साथ जुड़ना है और अपने मानव स्वरूप को डिवाइन स्वरूप में रूपांतरित करना है तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल स्टोरी में यमराज को धर्मराज की बात कही गई है इस स्टोरी में प्रेम को अपने उच्चतम स्वरूप की बात कही है, जिसको सावित्री इंकारनेट करती हैं तो माँ कहती हैं कि वो अंश अवतार था और इस बार डिवाइन महाशक्ति का पूर्ण अवतार है खुद ही लिखती हैं ये महाशक्ति का पूर्ण अवतार है इसलिए वह सब कुछ होगा जो पहले कभी संभव नहीं हुआ और उसमें वो बताती हैं कि इस, इसके कारण देवताओं में देवताओं के जगत में पशुओं के जगत में सारे जितने भी जगत हैं सब अंदर प्रकम्पन आने वाला है क्योंकि डिवाइन मदर अपने पूरे इंकारनेशन में आई हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि सावित्री की इस पोयम में शेरविंद जो ओरिजिनल बूंस हैं जो कहानी में यमराज यानी धर्मराज से सावित्री पूछती हैं और उनको मिलता है वह इसमें बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है जब आ, बुक नाइन में ही जब डेथ कहते हैं कि तुम वापस चली जाओ मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है लेकिन उसको भी शेरविंद बड़े अद्भुत अंदाज में प्रस्तुत करते हैं ये नहीं कहते हैं कि मुझे अपने ससुर की आंखें चाहिए मुझे ऑफस्प्रिंग चाहिए वो कहती है गिव ऑल दैट सत्यवान डिज़ायर तो यहाँ प्रेम का एक अद्भुत स्वरूप है <laughs> तो जो सत्यवान की जो इच्छाएं थी वो तुम पूर्ण करो और साथ में ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक सप्लिकेंट की तरह नहीं आई हूँ मैं वही ऊर्जा हूँ जिससे तुमने भी जन्म लिया है एन इक्वल एनर्जी तो वो जब इस प्रकार से कहती हैं तो यमराज क्रोध से आग बबूला होते हैं उसके बाद एक डिबेट होता है कि ये विधान अब यहाँ पर यमराज के पीछे ये मृत्यु के पीछे जो विधान है उसको सावित्री चैलेंज करती हैं केवल मृत्यु को चैलेंज नहीं करी है उसके पीछे जो विधान है तो वो कहती हैं कि ये विधान बदलना है अब विधान क्यों बदलेगा कैसे बदलेगा कौन बदलेगा ये सारी कहानी चलती रहती है बुक टेन और फाइनली हम लोग बुक इलेवन में फाइनली बुक टेन में जो मृत्यु है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं रिलीज कर देता हूँ वो कहता भी नहीं है वो कहता है कि इफ इफ आई सी यू एज द डिवाइन मदर मैं भी आपकी पूजा करूंगा तो यहाँ पर यमराज का या डेथ का एक प्रकार का रूपांतरण दिखाया गया है जो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं है ओरिजिनल तो स्टोरी में, तो में इंडिकेटेड है कि यमराज धर्मराज बन जाते हैं और ये दो नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं यमराज रिस्ट्रेनर हैं यम यम नियम तो ये वो क्या करते हैं सीमाएं निर्धारित कर देते आप यहाँ तक जाओगे वहां तक नहीं तो उन सीमाओं को मानव जीवन में हम ट्रांसलेट करते हैं नियम कानून मॉरल नैतिक इत्यादि सीमाएं। और यही कहानी दक्ष प्रजापति की कहानी में वो सीमाओं को निर्धारित करते हैं लेकिन कोई चीजें जो सीमाओं के परे है और सीमाओं के जो परे है जो सीमाओं में बद्ध हो के नहीं कार्य करती जो ओरिजिन है सीमाओं का जो ओरिजिन है वो है धर्म इट इज़ ट्रूथ जो सत्य जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है जिससे सृष्टि प्रकट हुई है दैट इज़ धर्म तो वास्तव में अगर हम देखें तो यमराज का धर्मराज के रूप में रूपांतरण का अर्थ ये होता है कि मृत्यु जो सूर्य की छाया है ओरिजिनल स्टोरीज़ में भी ये है कि सूर्य और छाया के संबंध से मृत्यु का जन्म होता है तो सूर्य की जो छाया है वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है जो चार असरों की बात माँ करती हैं कि दे आर रिस्टोर्ड बैक टू देयर ओरिजिनल एस्पेक्ट्स क्योंकि जब तक ये नहीं होता है तब तक पृथ्वी पर वो तो मनुष्य तो चॉइस करता रहेगा इस तरह की और बंधा रहेगा तो अब इस कहानी में ओरिजिन जो मूल समस्या है वहाँ पर शे उसको टच कर रहे हैं मूल समस्या एक तो मानव का चुनाव है लेकिन मानव के पास ये चुनाव का कारण क्या है एक और इनकॉन्शेंट है जो उसको खींच रहा है दूसरी ओर भगवान है जो पुल कर रहे हैं तो अब मनुष्य अपनी फ्रीडम में जनरली इनकॉन्शियंट को चुनता है तो यदि इनकॉन्शियंट ही चेंज हो जाता है तो एटलीस्ट एक सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी उसके ग्रिप से पूरी तरह बाहर आ जाएगी तब दिव्य जीवन को जड़ तत्व के आधार पर स्थापित करने की संभावना है तो ये इसका बैकग्राउंड है और अब वह सब कुछ सी बताते हैं जो सावित्री की मूल कहानी में नहीं है और इसके लिए डेथ ट्रांसफॉर्म्ड बिकम्स दैट गॉड अब वहाँ पर यह कि यमराज धर्मराज लेकिन यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि जब डेथ भस्म हो जाती है तो उस छाया के पीछे जो ओरिजिनल स्वरूप है वो प्रकट होता है और उनसे सावित्री का एक बड़ा सुंदर वार्तालाप होता है और वो अंत में कहते हैं असेंड ओ सोल इन टू दाई टाइमलेस सेल्फ चूज डेस्टिनी कर्व एंड स्टैम्प दाई विल ऑन टाइम अब यहाँ पर हम लोग रुके थे ए वंडरफुल मदर ऑफ अन सोल अब सावित्री जहाँ पर खड़ी है वो केवल एक सत्यवान के लिए नहीं मांग रही हैं ये ओरिजिनल कहानी में एक इंडिविजुअल विक्ट्री का एक झलक है पार्शियल विक्ट्री यहाँ पर अब वो कलेक्टिव विक्ट्री की बात है कलेक्टिव विक्ट्री का अर्थ ये नहीं कि सारे मनुष्य रूपांतरित हो जाएंगे कलेक्टिव विक्ट्री का अर्थ है कि धरती के ऊपर एक सर्टेन नंबर ऑफ सोल्स रिलीज हो जाएंगी कंप्लीटली डिवाइन लाइफ जीने के लिए तो एक नई प्रजाति का प्रगटन बेसिकली इट मीन्स दैट ऑल थिंग्स शी न्यू ऑल थिंग्स इमेजिड और विल्ड हर ईयर वॉज ओपन टू आइडियल साउंड शेप द कन्वेंशन बाउंड नो मोर हर साइट ए थाउजेंड डोर्स ऑफ वनस वॉज हर हार्ट अब वो है तो उन्हीं की ट्राईन एनर्जी ऑफ द ट्राईन इन फाइनाइट तो वो अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाती है ए क्रिप्ट एंड सेंचुरी ऑफ ब्रूडिंग लाइट अपियर्ड द लास्ट रिसेस ऑफ थिंग्स बियॉन्ड उसके पार वह है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता देन इन इट्स राउंड साइलेंस गिव बैक टू unknowable all ऑल इट given. स्टिल वॉज हर लिस्निंग थाट तो अब सावित्री अपने मूल स्वरूप में चली गई हैं शी इज द नॉन एल्स बट द डिवाइन मदर और शेप टाइम इन सब के परे हैं वो द फॉर्म ऑफ थिंग्स एट सीज्ड विद इन हर सोल ये इसलिए जरूरत है क्योंकि जब तक हम किसी भी फॉर्म से सूक्ष्म स्वरूप से भी बंधे हैं तो ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं जाना जा सकता तो बुद्ध ने इसको अपने ढंग से बात कही और इसीलिए शेरविंद कहते हैं बुद्धा शॉर्ट बियॉन्ड तो बुद्ध ने इवन द लास्ट अब बुद्धिस्ट मेडिटेशन में क्या इवन देवी देवता इवन भगवान का स्वरूप यू हैव टू डिस्कार्ड एवरीथिंग क्योंकि वो अल्टीमेट रिजोल्यूशन का जो महानिर्वाण है वो तभी प्राप्त हो सकता है लास्ट लिबरेशन तभी आता है तो ये सारे फॉर्म सीज हो जाते हैं इन विजिबल दैट परफेक्ट गॉड हेड नाउ यहाँ तक कि सच्चिदानंद स्वरूप जो उसी परब्रह्म से प्रकट हुए थे तो ये यह यहाँ पे वो मिस्ट्री जो उसका प्रश्न भी किया गया था सचिदानंद कौन है वो वही जो परब्रह्म हैं परात्पर हैं सुप्रीम हैं वही खेल के लिए सृष्टि के लिए अपने ही भीतर से शिवबिंदु एक वर्ड यूज करते हैं शैडोड फोर्थ एक हल्का सा एक रूपरेखा बहुत हल्की सी ओरिजिनल सब्सटेंस की उसमें वो अपने आप को प्रकट करते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम अब वो भी अपने रूप का संवरण कर लेते हैं अराउंड हर सम स्पिरिट लिफ्ट मिस्टीरियस फ्लेम अराउंड मेल्टिंग पर्ल सावित्री की सोल इज डिस्क्राइब लाइक ए मेल्टिंग पर्ल और मिस्टीरियस फ्लेम मतलब वो लास्ट लेयर है अगर वो एब्जॉर्ब कर दें तो कंप्लीट डिजोल्यूशन यही भाव अनोएबल में भी आता है जब अशुपति पहुँचते हैं एंड इन द फैंटम ऑफ एबॉलिश स्पेस देर वॉज ए वॉइस ऑन हर्ड बाई ईयर्स दैट कराइट तो अब सावित्री आइडियल साउंड को ओपन है तो ये वो ऐसे नहीं कि वो सुन रही हैं बाई ईयर्स बट वो जान रही हैं शेयरविंद माता जी का कन्वर्सेशन ऐसे ही होता था माता जी बताती हैं अगर कोई हम लोगों को देखता बात करते हुए तो उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो ऐसे नहीं कि बात करते थे लेकिन एक दूसरे के एक शब्द के पीछे अनेकों आशय और उनके पार जो सत्य है उनके अंदर प्रकट हो जाता था तो इस प्रकार से इस भूमि पर सावित्री खड़ी हैं और कितना सुंदर है फैंटम ऑफ एबॉलिश स्पेस स्पेस डिजोल्व हो गई है लेकिन कोई ऐसा भाव है फैंटम क्यों है क्योंकि अब चाहे तो वो प्रकट हो जाए घोस्ट ऑफ सेल्फ चाहे तो प्रकट हो जाए तो उस भूमि पर खड़ी है जहां एक स्टेप एंड एवरीथिंग इज डिजॉल्व और इसलिए वो वॉइस वॉइस अरविंद कह रहे हैं अल्टीमेट वॉइस पर ब्रह्म जो नाद स्वर के रूप में प्रकट हो रहे हैं चूज स्पिरिट दाई सुप्रीम चॉइस नॉट गिवेन अगेन इसके आगे चॉइस नहीं है चूज डिसोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये मूल रूप से ये फॉर नाउ फ्रॉम माय हाईएस्ट बीइंग लुक्स एट दी द नेमलेस फॉर्मलेस पीस वेयर ऑल थिंग्स रेस्ट ये उस परम शांति की अवस्था है जिसके बाद एक बार उसमें हम चले गए तो सृष्टि के लिए हम वापस नहीं आ सकते इन हैप्पी वास्ट सबलाइम नो एनिमल एक्सटिंक्शन इन इटर्निटी किसी ने पूछा कि क्या इस अवस्था के बाद वापस आ सकते हैं शीर्विंद ने कहा नहीं इट इज डिजोल्यूशन कंप्लीट इसीलिए जो योगी होते हैं वो निर्वाण और महानिर्वाण की बात करते हैं आप भौतिक शरीर में जब तक आप कोई ना कोई नाम रूप के सूक्ष्म उससे आपने स्वयं को बांधा हुआ है नॉट दैट कि बंधे हो किसी भी कारण से फॉर द सेक ऑफ वर्क तो वो निर्वाण की अवस्था है लेकिन महानिर्वाणी जब आप उसको डिस्कार्ड करके डिसॉल्व कर जाते हो तो बुद्ध की बात ऐसे होती है कि बुद्ध ऑन द लास्ट स्टेप डिजोल्यूशन होना वा होने वाला है उनका लेकिन वो मुड़ जाते हैं कहते हैं जब तक एक भी सोल इग्नोरेंस में है मैं कैसे डिजोल्व स्वीकार कर सकता हूँ तो देखा जाए तो बुद्ध के अंदर वह प्रेम है करुणा है और तब तो हम कनेक्ट कर सकते हैं बुद्ध को शी के साथ लेकिन अगर हम उनको केवल निर्वाण बुद्ध का निर्वाण देन वी कैन नॉट कनेक्ट लेकिन बुद्ध का जो लास्ट स्टेप है वो निर्वाण नहीं है बुद्ध का लास्ट स्टेप प्रेम और करुणा है यह बुद्ध के साथ एनिमल एक्सटिंक्शन इन इटर्निटी ए पॉइंट दैट डिस इन द इनफाइनाइट अब वो पॉइंट क्या है पर्ल क्या है सावित्री तो इन सब के परे हैं लेकिन उन्होंने इस लीला के लिए भगवान इस फ्लो ऑफ टाइम में आते हैं और वहाँ पे वो एक किसी सोल को चुनते नहीं हैं, तैयार करते हैं ओवर मेनी लाइफ्स इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं मेरे कई जन्म हैं हो चुके हैं तो तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं तो उन्होंने जन्म कैसे लिया शेयरविंद भी बताते हैं प्रीवियस लाइफ तो वो एक सोल तैयार की जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसके ऊपर वो वॉच ओवर करते हैं जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उन्होंने अपने ही लिए कोई एक चैत्य को सोल को डाला हुआ है अपने ही अंदर से निकाल करके और फिर वो जब एक टाइम आता है जब वो तैयार हो जाती है तब तो वो पूरी तरह उनके अंदर इनकारनेट करते हैं ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है हालांकि ये दिखती है प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि बिगनिंग से ही उस सोल को रेडी किया जा रहा है फॉर दैट अल्टीमेट सुप्रीम मैनिफेस्टेशन और दूसरी होती है कई सारी सोल्स हैं हम सब की जो इस संसार में हैं जो एवोल्यूशन के मार्ग से अल्टीमेटली उनका भी स्क्रिप्ट है एक औरिजिनल लेकिन वो तैयारी अलग है स्पेशल तैयारी है वी कैन माता जी कहती हैं अवतार और इसमें क्या डिफ्रेंस होता है अवतार पूरी कलेक्टिव के लिए काम करते हैं और साइकिक बींग वही काम एक इंडिविजुअल के लिए करता है तो हम लोग भी वहीं से हमारी एक स्क्रिप्ट की यू विल मैनिफेस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन तो तैयारी वैसी चल रही है लेकिन जो अवतार हैं उन्होंने सोल को कलेक्टिव वर्क के लिए तैयार किया और इसीलिए अगर आप देखें श्री कृष्ण तो अपने पूर्व जन्मों को नहीं बताते हैं। लेकिन शी के अगर पूर्व जन्मों को देखें जहाँ वो एक विभूति के रूप में थे या माता को देखें इट इज़ ऑलवेज टू ब्रिंग ए ग्रेट कलेक्टिव चेंज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चाहे वो रूस में हो या फ्रांस में हो या इटली में हो इट इज़ ऑलवेज टू ब्रिंग ए ग्रेट कलेक्टिव चेंज तो तैयारी दोनों की अलग होती है फेलिसिटी ऑफ द एक्सटिंग्विश फ्लेम अब वो जो सोल है जो आई थी एम्बॉडी करने के लिए अवतार को अब उसको कहा जा रहा है कि यू कैन डिजोल्व इट हो गया जितना बहुत बड़ी यात्रा बहुत कुछ कर लिया आपने इस फ्लोर फ्लक्स ऑफ टाइम में यू एंटर, टेक रेस्ट तो ये उनको एक लास्ट बार कहा जा रहा है एंड ऑफ द ट्रबल ऑफ दाई वांडरिंग थॉट्स, क्लोज ऑफ द जर्निंग्स ऑफ दाई पिलग्रिम सोल यहां तक पहुंच गए क्योंकि यदि तुमने ये चुनाव नहीं किया तब मतलब आने वाले समय तक जब तक ये काम पूरा नहीं हो, जा, हो जाता जिस दिव्य संकल्प को तुमने धारण किया था तुम्हें रिलीज नहीं है तो अभी आप चुन सकते हो यू कैन चूज द रिलीज तो एक लास्ट चॉइस दी जा रही है एक्सेप्ट ओ म्यूजिक वेरीनेस ऑफ दाई नोट्स ओ स्ट्रीम वाइड ब्रेकिंग ऑफ दाई चैनल बैंक्स द मोमेंट्स फेल इन टू इटर्निटी जैसे स्पेस का एक घोष्ट है फैंटम है वैसे काल का एक फैंटम रूप है मोमेंट्स फैल इन टू इटर्निटी यानी इटर्निटी फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसे जैसे काल की बीट है बहुत ही एक अति सूक्ष्म सत्य श्री अरविंद हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं एक कदम उधर एंड एवरीथिंग इज ओवर वहाँ पर सचेतन होकर सावित्री खड़ी है बट समन यर्न विद इन ए बूजम अन नोन एंड साइलेंटली द वोमेंस हार्ट एप्लाइड अब वोमेन का जो फोर्टीज की बात है एक वीमेन लिप का मूवमेंट आया अब इसको हम थोड़ा सा डाइग्रेशन लेकिन इंटरेस्टिंग है उसको क्या कहा फेमिनिस्ट मूवमेंट सो वेस्टर्न कंटेक्स में भी बहुत ऑपरेशन था बाई दी वे तो आप ऐसे नहीं सोचना मनुष्य लोग हम लोग सोचने लगते हैं ना भारतवर्ष में ये था वोटिंग राइट नहीं थे यूरोप और अमेरिका में एक लंबे समय तक झगड़ा करना पड़ा विमेन को इसके लिए उनकी ड्रेस पर्दा था हमारे यहाँ लेकिन विक्टोरियन मोरालिटी यहाँ तक स्लीव्स होती थी यहाँ पर एक हिजाब टाइप का वो होता था आप देखो पिक्चर्स वायलेंस होता था विमेन के प्रति ये कोई भारतवर्ष में नहीं होता था ये सारे संसार में होता था और बड़ी विभत्स चीज़ है तो विमेन लिप का मूवमेंट जब शुरू हुआ उन देशों में जहाँ देह आत्मबोध है देह को ही सेल्फ माना जाता है वहाँ देह के आधार पर हुआ तो लड़कियों ने हम भी बेलबॉटम पहनेंगे बॉटम बेल का रिवाज याद है ऑर्ड्रे की पिक्चर आई थी उसने सीमाएं तोड़ दी पहले लड़कियों का रोल करते थे लड़के पुराने जमाने की पिक्चरों में तो उसने रिवाज तोड़ दिया पैंट पहनी शर्ट पहनी फिर ये हुआ कि हम भी सिगरेट पी सकते हैं हम शराब पी सकते हैं जॉब कर सकते हैं अब ये क्या था ये देह आत्मबोध से उत्पन्न हुआ था भारतवर्ष में माँ ने कहा कपड़े पहनना नहीं पहनना ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट चीज है नारी को अपनी उस उच्चतम संभावना को पहचानना और वो उच्चतम संभावना क्या है eternal feminine. Divine Mother है वो और उस शक्ति को धारण कर सकती इसीलिए आप देखिए अभी भी इसकी झलक मिलती है किसी घर परिवार में चले जाइए भारतवर्ष ही नहीं प्राय सभी आप करते हैं दोनों कंधा से कंधा आजकल थोड़ा कंपल्शन में पर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का काम बाजार से कुछ लाने का काम ये ज्यादातर विमेन करती हैं मेन क्या करते हैं पैसे कमाते हैं और घर में काउच पटेटा बन जाते हैं <laughs> क्योंकि वुमेन शक्ति है उसने शक्ति को अपने अंदर धारण किया है लेकिन जब वो इससे अपरिचित है इसलिए वो अपने को दासत्व लेकिन वुमेन की संभावना क्या है वो डिवाइन मदर की शक्ति को वो जितना धारण कर सकती है वो पुरुष के लिए मुश्किल है इसीलिए माता श्री अरविंद एक जगह ये कहते हैं बड़े पासिंगली कि परहैप्स ओनली जब वो बताते हैं कि माँ ने माँ बताती है कि उन्होंने क्या अनुभव किया श्री अरविंद को देखने पर ये तो वही हैं जिनको हमने कल देखा था फिर अरविंद से पूछा कि आपने क्या देखा तो कहते हैं कि शी इज़ बॉर्न फ्री और दूसरा कि पहली बार मैंने देखा कि किसी ने आध्यात्मिक पूरे इतिहास में मानवता के ऐसा समर्पण किया हो जैसा माँ ने सम्मुख खड़े होकर किया उच्चतम सत्ता से नखशिख तक उन्होंने समर्पण कर दिया एट सेल ऑफ द बॉडी समर्पण कर दिया फिर श्री अरविंद एड करते हैं परहैप्स ओनली वुमेन आर कैपेबल ऑफ दिस उनकी अफरजम भी है इस तरह से वेन आई बिकेम ए वुमेन पहले कहते हैं वेन आई न्यू गॉड इज ए वुमेन देन आई न्यू समथिंग अबाउट गॉड बट वेन आई बिकेम अ वोमेन वेन आई न्यू तो ये उच्चतम ट्रिब्यूट है तो यहाँ पर ये शेरविन सावित्री में बड़े सुंदर ढंग से सावित्री वहाँ खड़ी है वहाँ जेंडर क्या है पर वुमेन्स हार्ट एक ही सत्य है इसके दो रूप है मैं हार्ट मैं हार्ट कह रहा है कम इन टू दिन एवेबल पीस शांति लेकिन वुमेन्स हार्ट कुछ और कह रहा है सेम एनर्जी ऑफ द ट्राइ यून इन फाइन आइट वो क्या कहती हैं एंड साइलेंटली द दुम हार्ट एप्लाइड पीस वो कहते हैं ना पीस इन पीस कहती है हा पीस चाहिए लेकिन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस बोन दाई पीस ओ लॉर्ड ए बोन विद इन टू कीप एमिट द रोर एंड रूइन ऑफ वाइल्ड टाइम फॉर द मैग्निफिसेंट सोल ऑफ मैन ऑन अर्थ

उन सबको लेके आई हूं उनके बिहाफ पर मैं मांग रही हूं कि उन सबको के बिहाफ पर उन्हें वो शांति दो कि इस संसार में रोर एंड रूइन काल की गति के अंदर भी काल के चक्र में भी वो शांति को प्राप्त कर सके और कौन सी शांति उसमें भी दो प्रकार की शांति है एक होती है विड्रॉल वाली शांति विटनेस पुरुष की शांति यहां वो कह रही है दैट बेयर हैंड्स ऑफ जॉय जॉय इज क्रिएटिव क्रिएशन वो सृष्टि के आप सृष्टा भी हो केवल दृष्टा नहीं हो दृष्टा भाव एक निरपेक्ष शांति की ओर ले जाता है सृष्टा भाव उस शांति में आनंद की तरंग जॉय जो क्रिएशन के साथ होती है तो ये मनुष्य की सोल के लिए डिवाइन मदर मांगती हैं पहली बूंद तो पीस है लेकिन वो कौन सी पीस है विड्रॉल की पीस नहीं है वो क्रिएटिव आनंदा की पीस है

साइन टू कास्ट डाउन वॉल एंड फेंस टू स्ट्रिप हेव एन बेयर सी विद द लार्ज आई ऑफ इंफिनिटी एंड वीव दू सा अब इसमें क्या वो सत्य बता रहे हैं यही जो हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे हैं सच्चिदानंद का एक स्वरूप जो लीन बैक करता है टूवर्ड्स पर ब्रह्म उसमें फेड हो जाता है और दूसरा जो क्रिएशन की तरफ मुड़ा हुआ है जो क्रिएशन की, की तरफ मुड़ा हुआ है वो सारा हम लोगों ने देखा अब वह रूप जो लीन बैक कर रहा है तो वो ये शिविंद बताते हैं जब वो सच्चिदानंद की बात करते हैं तो कहते हैं अब वो कह रहे हैं आ जाओ तुम भी कहाँ पर इंफिनिटी उसमें प्रवेश करके उस आँख से सब कुछ देखो बस यही और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आमोरस ऑफ वननेस विदाउट थॉट और साइन वो कौन सी वननेस दो प्रकार की वननेस है जैसे पीस एक जो सृष्टि के परे है तो एक वन्य से एकत्व है जिसमें अनेकत्व डिसॉल्व हो जाता है सो विदाउट थॉट और साइन टू कास्ट डाउन वॉल एंड फेंस टू स्ट्रिप हेव बेयर इवन जो स्वर्ग उच्चतम लोक हैं वो सब वहां पे डिसॉल्व हो जाते हैं सी विद द लार्ज आई ऑफ इंफिनिटी एंडवीव द स्टार्स एंड इन टू साइलेंस पास ये बड़ी अद्भुत लाइन है स्टार्स हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी स्टार्स गाइड अवर डेस्टिनी स्टार्स होल्ड द स्पेस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्स यानी जो फर्स्ट पॉइंट हैं जो क्रिएशन का जहाँ से सब कुछ शुरू होता है दे आर द स्टार्स इसीलिए जब ये कहा जाता है ना स्टार्स हमारी डेस्टिनी निर्धारित नहीं करते हैं पर वो उनकी गति से संसार की गति कहीं ना कहीं जुड़ी होती है पहले पॉइंट्स और ये फ़िज़िक्स में भी आई मीन फिज़िकली क्या हुआ था पहले जब वो बर्स्ट हुआ पॉइंट तो क्या हुआ अनेकों अनेक ओनेको ल्यूमिनस पॉइंट्स माइस को डिस्क्राइब करती हैं पासिंगली उनकी एक बड़ी सुंदर राइटिंग है कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम टू में जहाँ वो बताती हैं कि आ, सबसे जो दुर्दांत क्षण था कौन सा था जब डिजिव फोर्स ने आक्रमण किया था और पूरा सब तरफ रात छा गई थी केवल अंधकार था महाअंधकार था इनकॉन्सेंट का तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो विक्टोरियस हो गई है उसने प्रकाश के गढ़ में छेद कर दिया और प्रकाश ने क्या किया उस एक महापुंज ने अनेकों 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 अनेको प्रकाश पुंज से रात को भर दिया तो वेरी ब्यूटिफुल लाइन जहां वो इसको डिस्क्राइब करती है द सुप्रीम डिस्कवरी इसके अंत में आता है तो अनवीव द स्टार्स मतलब जो लास्ट लिमिट है या फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशन का जिससे बंधी है पूरी सृष्टि स्पेस जिससे निकलता है स्टार की गति से बाई दिवे काल की गति जैसे अंदर में इलेक्ट्रॉन्स स्पंदन एक है और दूसरी ओर स्टार्स इसी यही तो सारी समस्या थी आइंस्टीन के पहले लोगों की कि सब वो बता पा रहे थे प्रेडिक्ट कर पा रहे थे लेकिन स्टार्स के मोशन को फिजिक्स नहीं एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रही थी इसके बिना स्पेस ट्रैवल संभव नहीं है तो आइंस्टीन ने जब रिलेटिविटी प्रकाश की गति ये सारी चीज़ें आई तब तो वो स्टार्स की गति को प्रेडिक्ट करने लगे। इट वॉज़ ए बिग लीप और वो पिछली सेंचुरी के प्रारंभ में हुई क्यों क्योंकि महाश्र थे तो स्पेस एज का आशरिंग शुरू हो गया था स्टार्स दे आर द बिगनिंग ऑफ स्पेस ऑफ टाइम एंड ऑफ क्रिएशन तो कहते हैं अनवीव द स्टार्स देखिए कितनी सुंदर तरह से वो कह रहे हैं ये नहीं कह रहे कम आउट ऑफ क्रिएशन बट अनवीव द स्टार्स एंड दर्ड्रॉइंग पॉज काल की गति थम जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब सारी सृष्टि जैसे डिसॉल्व हो रही है ये अनुभव है वहां पर महाप्रलय का और माताजी जी इस अनुभव को 19 73 का शायद मैसेज है एक जगह तो वो ऐसे कहती हैं कि द वर्ल्ड इज डिसॉल्वड एंड रिक्रिएटेड ईस मोमेंट और एक जगह कहती हैं व्हेन यू कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ द होल वर्ल्ड एट द सेम टाइम देन यू कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन और वो कहती हैं हर क्षण सब कुछ डिसॉल्व होता है और रीक्रिएट होता है टाइम की बीट्स पर तो हम लोग कहें कुछ तो बदलता नहीं हाँ क्योंकि हम बंधे हुए उसी में पर चाहे और ये जो पॉज होता है ना इसमें वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग इसको योग में तंत्र साधना में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है आप ब्रीदिंग के योग को देख लीजिए किस पार्ट की इंपॉर्टेंस है आने जाने वाली ब्रेथ की नहीं है जो पॉजेस है एक जगह शेरविंद कहते हैं ब्रेन में एंड इन द पॉजेज ऑफ द बिल्डिंग ब्रेन थाट्स के बीच में पॉजेस ये जो पॉजेज होते हैं ना वो एक समय होता है जब आप वर्ल्ड को रिक्रिएट कर सकते हैं यहाँ तक कि कोई भी गति आप बहुत करते हो जैसे अब वॉकिंग करके आए ब्रिस्क वॉक या रनिंग के बाद आए तो कुछ क्षणों के लिए एक स्टिलनेस आती है इवन प्रकृति में सुबह और शाम को एक स्टिलनेस का मोमेंट होता है वो रिक्रिएट करते हैं उस पॉज को बिफोर क्रिएशन अब ये पॉज क्या है क्रिएशन के पहले यानी शुरू नहीं हुआ है क्रिएशन काल शुरू नहीं हुआ है लेकिन एक पॉज है यानी क्या है उस पॉज में सचिदानंद अब लीन कर रहे हैं ये वो पॉज है वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पॉज इधर आ गए तो सृष्टि समाप्त वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पॉज और वही पॉज सृष्टि के जितने भी ये पॉजेज होते हैं वो ये इसका प्रैक्टिकल वो है कि वो एक अवसर होते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह रिक्रिएट कर सकते हैं और मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ इवन वो एक्टिविटी कभी कभी होता है ना भोग के बाद आपको अचानक एक एक स्टेट होती है जहाँ अगर आप निश्चेतना में नहीं गिर जाओ तो एक उक्ताहट होती है एक अजीब से एक शांति नहीं है वो लेकिन एक स्थिरता आती है क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी आपकी डिसिपेट हो गई उस क्षण को अगर उपयोग कर सको ऐसे तंत्र साधनाएं जिसमें कहा गया उस क्षण को इफ यू कैन बिकम कॉन्शियस ये प्लीज इट हैज नथिंग टू शोबिंदुज योगा लेकिन ये तंत्र योगों में इस, इस ये पॉज का जो महत्व है तो यू कैन सडनली पास थ्रू क्योंकि उस समय कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करी है जितना डिजायर रेस्टलेसनेस सडनली दे आर नॉट देयर टू डिस्टर्ब यू लेकिन वो क्विक क्षणिक चीज़ होती है आपने अगर उसको लूज़ किया तो निश्चेतना में चले गए और वो सारी चीज़ें बाई नेचर इट विल कम वैक्यूम वैक्यूम इन स्पेस जहाँ पे सारी एनर्जीज रश करती हैं और इसका जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है झगड़ा अगर बंद करना है कोई व्यर्थ का डिस्कशन स्टॉप करना है वेट फॉर द पॉज डोंट कीप ऑन अगला बंदा कह भी नहीं रहा है आपने कुछ कह दिया तब तो वो चलता रहता है ये सब सब हम लोग सभी अनुभवों से सीखते हैं आप सीरियसली आप बंद करना है ना कुछ देर रुक जाओ आप देखोगे एक पॉज आएगा अब वहां पे या तो टॉपिक बदल दो या कहो अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ वो पॉज बड़ा पावरफुल होता है <laughs> तो यहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पॉज उसका एक <laughs> लेकिन सच्चा पॉज ये नहीं कि अंदर में सारा उफान आ रहा है बाहर से आदमी कुछ बोल नहीं रहा है वो पॉज नहीं है वो एक पॉज, so उस पॉज में वो क्या सुनती है जो सृष्टि के प्रारंभ का पॉज है और मिलियन क्रीचर्स सृष्टि के वो अभी भी उनके अंदर हैं उनको उन्होंने धारण किया हुआ है सबकी वेदना थ्रू द ट्रेमेंडस इमेजरेबली द वुमेन्स नेचर स्पोक नारी का भी आदमी लोग ठीक है, है देख लो क्या करना पर नारी तत्व जो होता है अपने परिवार का ससुराल का इसका उसका सब सबको बांध के बाइंडिंग टुगेदर <laughs> नारी तत्व के अंदर ये स्वाभाविक होता है वुमेन्स नेचर तो वुमेन्स नेचर क्या इमेजरेबली द वुमेंस नेचर स्पोक Thy oneness, Lord, in many approaching hearts. चाहिए आपकी oneness, लेकिन अनेकत्व को समाप्त करके नहीं वो oneness जो अनेकत्व के खेल में भी स्थापित रहे और माँ एक जगह इसको अपनी प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में ये सारी उनके बहुत पहले के अनुभव हैं प्रेय लेकिन यहाँ वो सबके लिए मांग रही है। प्रेयर्स हैं प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में कहती हैं टू प्ले विद नेम्स एंड फॉर्म्स बट ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ दाई वननेस अब वननेस का एक उदाहरण क्या होता है कि कृष्ण जी की वो महाभारत में ये कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है और श्री कृष्ण कहते हैं वाह कर्ण वाह एक क्षण कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं आप तो मेरी तरफ हो <laughs> ये क्या हो रहा है तो कहते है, नहीं शत्रु में भी जो सुंदर बात है अप्रिशिएट करनी चाहिए अब ये क्या है वननेस है उसके अंदर भी कर्ण के अंदर उसकी भुजाओं का जो बल है और उसका जो साध्य है और उसकी जो क्षमता है वह भी उसके अंदर दिव्यता है दिस इज़ वननेस जब ये वननेस में हम रहते हैं तो हम अप्रिशिएट कर पाते हैं ये नहीं कि हम साइड बदलते हैं या हम आ, कहते हैं कि नहीं हम सब बराबर है ये नहीं कहते हैं साथ वो कृष्ण अर्जुन के हैं क्योंकि धर्म वहाँ पर है धर्म को लेके बैठे हुए हैं लेकिन उसके अंदर भी जो शक्ति कार्य करी वो वही वन पावर कार्य करी कोई दूसरी नहीं कार्य करी रही इज नो डेविल पावर वर्किंग इन इट इट्स द वन पावर दैट इज़ बिन डिस्टोर्टेड जो वो उस व्यक्ति के चैनल के अंदर उसने इतनी गंदगी मिला दी है उसमें वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर हम इसको विदाउट गोइंग इन टू इसीलिए कहा जाता है कई बार की सारी सुंदर चीजें भगवान से आती हैं कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है हम उसमें सब मिलाते रहते हैं गंदगी इट्स नॉट एब्सोलूट ट्रूथ बट ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है रिलेटिव ट्रूथ है क्योंकि वो गंदगी भी कहीं और से आती है मनुष्य केवल एक चैनल है जो ओपन कर देता है कि आ जा गंदगी तो भी गंगा जल में मिल जा ये ये हमारी समस्या है कि हम वो चैनल खोल देते हैं इसीलिए श्री रिजेक्शन की बात करते हैं बाद में तो वो ऐसा उन्होंने गंगा जल उतार दिया कि वो वहाँ भी जा करके सब धो डाले <laughs> सुपरमेंटल का तो यही है दाई वननेस लॉर्ड इन मैनी अप्रोचिंग हार्ट्स माई स्वीट इन्फिनिटी ऑफ दाई नंबरलेस सोल्स इसी इन्फिनिटी को तो धारण करके मैं सृष्टि के अंदर आई हूँ सृष्टि का निर्माण किया है तो वननेस तो चाहिए लेकिन वो वाली वननेस जो इस सृष्टि में रहते हुए क्योंकि इस सृष्टि में रहते हुए क्या होता है भेद प्रारंभ होता है भेद प्रारंभ कहाँ से होता है ईगो के सेंस से मैं हूँ और तुम हो और जहाँ मैं तुम शुरू हुआ वहाँ बस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मनुष्य है ये पशु है ये लेकिन उन सबके अंदर वननेस को धारण करना इन्फिनिटी को धारण करना लेकिन नाम रूप फाइनाइट जो भी आवश्यक है उसमें धर्म के अनुसार उनसे टू टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रूथ जो हमारे हृदय के अंदर प्रकट होती है ये चैलेंज है तो कहती है आई वांट योर वननेस बट फॉर द मल्टीट्यूड पृथ्वी के ऊपर माइटली रिट्रीटिंग लाइक ए सी इन ए A third time swelled the great admonishing call. Now last, the great admonishing call. I spread abroad the refuge of my wings out of its incommunicable deeps. My power looks forth of mightiest splendor stilled into its majesty of sleep withdrawn. अबाउ द ड्रेडफुल वर्लिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो विंग्स विंग्स का क्या भाव है स्टार्स एक विंग्स जो हमको उड़ाते हुए ले जाते हैं मरुथ द फर्स्ट स्टर जिसके कारण सारी चीजें ऊपर की ओर उठती हैं और वो सृष्टि का प्रारंभ विंग्स वो जो स्टर है क्रिएशन की जिसके बाद वो मरुथ्स वायु वायु तत्व तो अब वो कहते हैं कि मैंने ये वायु तत्व को फोल्ड कर लिया है कैनोपी की तरह इसको मैं इसमें सब कुछ तो इसमें बस आ जा और जैसे ही तो इस ओरिजिनल वायु तत्व में आएगी प्राण तत्व में आएगी तो ये सब डिजोल्व हो जाएगा एंड यू विल यू विल एंटर इन टू दैट साइलेंस बिफोर द ड्रेडफुल वर्लिंग्स क्योंकि उसके नीचे वर्लिंग्स है वो वायु तत्व जैसे ही जाता है वायु अपना ओरिजिनल सेंस में तो वो सारी सृष्टि के अंदर फिर वो वर्ल गति जगत्याम जगत, जगत प्रारंभ हो जाता है और वो जब एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसमें उसके बाद आदमी कहां से प्रारंभ होता है कहां जा रहा है कहाँ उसका गोल है सब उसमें उलझ जाता है तो कहते हैं आई कैन पुल यू आउट ऑफ दिस क्योंकि विंग्स जो तुम्हें ले जाएंगे इन सब के ऊपर अबव द ड्रेडफुल इन टू इट्स मैजेस्टी ऑफ स्लीप अब यहां पर क्या चीज दे रहे हैं वो पावर लेकिन कौन सी पावर अपनी सुप्त अवस्था में जब वो अवेक हो जाती है पावर तब वो सृष्टि करती है वही पावर जब विड्रॉन हो जाती है तो स्लीप है तो यहां पर वो कह रहे हैं माई पावर जैसे पीस पीस, पीस पावर माई पावर लुक्स फोर्थ ऑफ माइटिएस्ट स्प्लेंडर स्टिल्ड इन टू इट्स मैजेस्टी ऑफ अबव द ड्रेडफुल वर्लिंग्स ऑफ द वर्ल्ड वो ओमनी पोटेंस जो वास्तव में पूरी तरह एब्सॉर्ब है उस साइलेंस के अंदर तो अब उनको कह रहे हैं यू कम अब मैं अपनी हाईएस्ट पावर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं टू पुल यू इन टू दैट ऑफ थिंग्स टू द वॉइस अब सावित्री वुमेन के हार्ट में सॉब ऑफ थिंग्स मिलियंस क्रीचर्स क्राइंग माँ 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 वो माँ बताती ना जब छोटी थी तो उनका रोब वो अपनी विश्व चेतना में प्रवेश करती थी कॉस्मिक कॉन्शियस में उनका रोब जिसको टच करने के लिए लोग क्योंकि पीड़ित हैं दुखी हैं देखिए बुद्ध के हम लोग मैत्री अमिताभ बुद्ध की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर तो बुद्ध वहाँ रुके फ्रीडम देने को इग्नोरेंस है माँ तो वो महागंगा को नीचे उतार रही हैं तो वहाँ पे उनको वो अवस्था में पहुँच गई हैं जहाँ अल्टीमेट एब्सोल्यूट पावर प्रस्तुत है उनको अंदर ले जाने के लिए लेकिन वो अनेकों अनेकों जीव की प्रार्थनाएं पुकार सुनती हैं एंड पैशनेटली वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड ये कौन सा पैशन है पैशन तो बड़ा बुरा होता है सुना है हमने ये डिवाइन पैशन है जो ओरिजिन है क्रिएशन का इसको ग्रीस में कहा गया ग्रीक मिथोलॉजी में एंथजोस पैशन टू क्रिएट आप देखिए पैशन का ओरिजिन यही है सबसे ज्यादा पैशनेट आदमी कब होता है जब वो क्रिएट करना चाहता है कोई चीज इसीलिए कहते हैं ना यू डोंट नो यू हैव नॉट फाउंड योर पैशन ये वर्ड यूज करते हैं ना पैशन जिसमें आप पूरी तरह अपने को जी जान से लगा देते हो वह पैशन इसका ओरिजिनल स्वरूप कहाँ है जहाँ भगवान पूरी तरह अपने आप को सृष्टि को दे देते हैं तो पैशनेटली वुमेन्स हार्ट पैशनेटली द वुमेन्स हार्ट रिप्लाइड ये है क्षेत्र पैशन का ये ओरिजिनल पैशन का माता जी कहती है सारी ऊर्जा डायनामिज्म की यहाँ से आती है आपको जानना है कि आपका पैशन क्या है जीवन में यहाँ नहीं मिलेगा यहाँ तो केवल बहुत सारे इस बॉक्स में डॉक्टर भरा है उसमें इंजीनियर भरा है इसमें समाज भरा है उसमें माता पिता भरे सब लोगों के उसमें पैसा भरा है सब कह रहा है ये होगा तो वैसा होगा वो होगा तो ऐसा होगा यहाँ पे आप जाओ वहाँ से आएगा इसको खोलो यहाँ पर है वो पैशन जिसके लिए हम जन्मे हैं तो वोमेन्स हार्ट वो क्या कहती हैं दाई एनर्जी लॉर्ड चाहिए वो आपकी पावर हाईएस्ट पावर दाई एनर्जी लॉर्ड टू सीज़ ऑन वूमेन एंड मैन और स्पेसिफाई कर देते वुमेन एंड मैन वही ऊर्जा मनुष्यों के लिए पूरी एकदम स्पष्ट रूप से वही उच्चतम शक्ति टू टेक ऑल थिंग्स एंड क्रीचर्स इन दर ग्रीफ एंड गैदर देम टू ए मदर साम्स ये कौन है उच्चतम स्पिरिचुअलिटी तो यही है अगर हम सच में कहते हैं कि ईगो से कोई मुक्त हो गया तो फिर आप निज का निर्वाण कैसे खोज सकते हो ईगो <laughs> से मुक्त होने से तो आप पूरे संसार के साथ आप एक विश्व चेतना में अनुभव करते हो हाउ कैन यू सीक सॉलिटरी निर्वाणा यही सावित्री पहले कह चुकी हैं कि आई नॉट सीक दैट सॉलिटरी लिबरेशन माई स्पिरिट्स लिबर्टी आई आस फॉर ऑल तो यहां पर वो उस एब्सोल्यूट पावर को चाह रही हैं कह रही हैं कि यस आई वांट दैट बोन किसके लिए वुमेन एंड मैन के लिए ताकि उनके अंदर वही एब्सोलूट पावर है जो एनल कर सकती है ग्रीफ और सौरों को माता जी का एक बड़ा सुंदर मैसेज है क्रिश्चैनिटी से रिलेटेड है क्राइस्ट रिडीम करते हैं अर्थ को क्राइस्ट फ्रॉम इज क्रॉस यूमेनाइज यूरोप और क्या कहते हैं कि मैंने बल, अपने ब्लड से अपने खून से अपनी मृत्यु से खुद को क्रॉस पे जा करके मैं मनुष्य के पाप धो रहा हूँ शेरविंद माता जी जानते हैं वहां तक पाप धुल गया अभी मनुष्य फ्रेश पाप करेगा पाप की संभावना नहीं समाप्त हुई है आपके पुराना अकाउंट वाइप आउट हो गया अभी नया अकाउंट खुलेगा तो माता जी क्या कह रही है उनसे ग्रीफ की संभावना सफरिंग की संभावना तो माता जी का वो मैसेज है इट इज नॉट ए क्रूसिफाइड बॉडी बट ए ग्लोरिफाइड बॉडी दैट कैन सेव द वर्ल्ड ग्लोरिफाइड बॉडी क्या है वो एब्सोल्यूट पावर जो मैटर को पूरी तरह रिडीम कर देती है उसके अंदर पाप की संभावना समाप्त हो जाती है और जैसे ही पाप की संभावना समाप्त होती है यहाँ पाप मॉरल पाप की बात नहीं हो रही है पाप है जो ईश्वर विमुख है जो हमको दूर ले जाता है भगवान से वैदिक उसमें देखें तो बहुत सारी चीज जिसको हम अच्छा कहते हैं वो भी उस दृष्टि में तो जो हमको ईश्वर से दूर ले जाता है भगवान से दूर ले जाता है तो कहती है कि वह उसकी संभावना ही समाप्त हो जाए दाई एनर्जी लॉर्ड टू सीज ऑन वुमेन एंड मैन टू टेक ऑल थिंग्स एंड क्रीचर इन देर ग्रीफ

उस अनिर्वचनीय पर में प्रवेश करके डिसॉल्व हो सकता है शांति के द्वार से वाइडनेस के द्वार से इंफिनिटी में चला जा सकता है। पावर के द्वार से और एक चौथा द्वार अब वो खोल रहे हैं लास्ट ग्रेट टाइम द वार्निंग साउंड वॉज हर्ड आई ओपन द वाइड आई ऑफ सॉलिट्यूड टू अनकवर द वॉइसलेस रैप्चर ऑफ माई ब्लिस आनंद के द्वार से ये चार द्वार हैं और इन चार पावर कर्म योग पीस थ्रू द थॉट यू अल्टीमेटली एंटर इन टू दैट साइलेंस ब्लिस थ्रू लव वाइडनेस तो ये चार द्वार हैं जिनकी हम प्रवेश कर सकते हैं ये ओरिजिनल पथ है यही चार एस्पेक्ट्स हैं डिवाइन के हायर कॉन्शियसनेस के शेड हायर कॉन्शियसनेस के चार एस्पेक्ट बताते हैं तो वहाँ पे खड़ी हुई सावित्री और लास्ट टाइम वो वॉइस वो कहती है i open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss और यहीं से सृष्टि प्रारंभ भी होती है उस वाइडनेस से उस शांति की अवस्था से ब्लिस का प्रथम प्रकंपन वो पावर जो लीन डाउन करती है i open the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss where in a pure and exquisite hush it lies मोशनलेस इन इट स्लम्बर ऑफ एक्सटेसी वो एक ऐसी अवस्था जिसमें ब्लिस अपने ही अंदर एब्जॉर्व हो जाती है एक्सटेसी एक एक्सटेटिक ट्रांस जिसके अंदर ब्लिस है लेकिन कोई अभिव्यक्ति नहीं है उसकी भाव समाधि अंदर की ऑब्जेक्टलेस एक्सटेसी है रेस्टिंग फ्रॉम द स्वीट मैडनेस ऑफ द डांस सृष्टि का वर्णन है स्वीट मैडनेस मजा आ रहा है स्वीट है डांस का लेकिन पागलपन है पागल यहाँ इस सेंस में नहीं है मतलब वो इतना विकट है इतना अद्भुत है इतना इनकैलकुलेबल है मेजरलेस है कि वो मैडनेस ही लगता है मैडनेस क्या होती है जहाँ पर आपको कोई लॉजिक नहीं पता चल रही हो मैड आदमी क्या करता है इलॉजिकल काम करता है तो भगवान की लॉजिक तो समझ नहीं आती है तो स्वीट मैडनेस अभी तो ये था सब तैयारी कर रहे थे ये मनाने की अब आपने कोरोना ला दिया संसार में क्या लॉजिक है अगर हम भगवान को ओरिजिनल अब कोरोना जा रहा है सब बड़े खुश हो रहे थे अब फिर से रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गए शुरू हो गया थर्ड वेव फोर्थ वेव ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट बात अलग है लेकिन अगर आप दृश्यों को देखें अपने जीवन के तो इट लुक लाइक ए मैडनेस लॉजिक नहीं समझ आती लॉजिक है लेकिन वो अंदर में एक छिपी हुई है तो कहते हैं स्वीट मैडनेस ऑफ द डांस उस आनंद में समा जाओ रेस्टिंग फ्रॉम द स्वीट मैडनेस ऑफ द डांस आउट ऑफ हुज बीट द थ्रॉब ऑफ हार्ट वॉज बॉर्न वही आनंद है जो हृदय के अंदर आपने देखा हृदय कैसे रिस्पॉन्ड करता है जॉय को सौरों को टियर्स को द फर्स्ट थिंग इज हार्ट एक्सपेक्टेशन जॉय हार्ट के अंदर वो उसका टच पड़ता है और हार्ट रिस्पॉन्ड करता है तो ये ब्लिस का स्थान प्रेम का स्थान वही ब्लिस जब सृष्टि के अंदर उतर जाता है तो वो लव है टू रेस्क्यू और वही ब्लिस सृष्टि के अंदर एक एक लिक्विड की तरह रन कर रहा है हर चीज़ को बांधे हुए है सृष्टि के अंदर वही ब्लिस है जिसके चलते कोई निर्वाण की बातें करते हैं सुनने जाते हैं लेक्चर लेकिन निर्वाण चाहते नहीं है क्योंकि निर्वाण के अंदर ब्लिस खड़ा हुआ है सीक्रेट ब्लिस इज दिडन कॉज ऑफ थिंग्स एट द रूट ऑफ थिंग्स बड़ा अच्छा है स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात सच बात है सब माया है मोक्ष ही है असल चीज तो चले मोक्ष के लिए नहीं वो आ, बच्चे वो क्या साड़ी लेनी थी ना तुझे गुड्डू के लिए खिलौना लेना था पापा के लिए शर्ट लेनी थी अगले महीने अगले हफ्ते फिर सत्संग में जाएंगे वही मोक्ष की बात करेंगे वही भजन गाएंगे लेकिन फिर ब्लिस का मुझ कहता है मैं भी हूं रुको ये ब्लिस वो वाली ब्लिस बुला रही है वही वाली ब्लिस हमको यहां चाहिए तो यहां फिर जब सावित्री या अंतिम प्रलोभन जो ब्लिस का है ब्रेकिंग द साइलेंस यहां वो प्रलोभन नहीं दे रहे वहां केवल वो चॉइस दे रहे हैं यहां प्रलोभन नहीं है चॉइस है फाइनल चॉइस ब्रेकिंग द साइलेंस विद एपील एंड क्राई ए हिम ऑफ एडोरेशन टायरलेस क्लाइम अनेको अनेकों भक्त जो पुकार रहे थे भगवान को एडोरेशन टायरलेस क्लाइंक बीट विंगड यूनाइटिंग सोल्स देन ऑल द वुमेन यर्निंगली रेप्लाइड अनेकों भक्तों की पुकार तक पहुंचती है एडोरेशन पहुंचती है और पूरी की पूरी जगन माता अपने इटरनल फेमिनाइन के रूप में मातृत्व के रूप में वात्सल्य और करुणा से भरी हुई क्या कहती हैं दाई एम्बरे लिविंग नॉट ऑफ पेन चाहिए वह एम्बरेस वह आनंद की यूनियन चाहिए वह यूनियन जिसमें दर्द दुख शोक समाप्त हो जाता है दाई एम्बरेस दाई जॉय ओ लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीद वो वाला चाहिए ओरिजिनल लेकिन यहाँ टू सराउंड ऑल क्रीचर देखिए माता जी ने यही यहाँ वातावरण अगर आप देखिए आश्रम के वातावरण में मान माने किस तरह की ऊर्जा थोड़ी सेंसिटिविटी जरूरी है एंड यू विल फील यू विल फील ए पीस जो कहीं नहीं मिलती है यू विल फील ए वाइडनेस आश्चर्य होता है कि यहाँ पे दुनिया भर के लोग ट्रेडिशनल लोग ये इतना वाइड कैसे हो गए हैं इतनी प्लास्टिसिटी कैसे आ गई इट इज स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग कई लोगों को स्ट्राइक करती है वाइडनेस ऊर्जा कहां से आती है लोग सारे दिन काम करते रहते थकान नहीं होती युवा होते चले जा रहे इनकी रिटायरमेंट एज नहीं है एनर्जी और चौथा ब्लिस दैट लव दैट जॉय सांस लेने से यहां लगता है वाह क्या जॉय होती है सब कुछ खटर पटर लेकिन खटर पटर के बावजूद कोई एक जॉय है जो महसूस होता है बाहर जाने से पता चलता है कि वह नहीं मिल रहा है ये चारों एस्पेक्ट माँ ने यहाँ पे फिजिकल वातावरण में ले आई हैं और माँ कहती हैं दस किलोमीटर तक वो ऊर्जा क्षेत्र है कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ी चाहिए थोड़ी सेंसिटिविटी चाहिए एंड यू विल फील कि वह शांति जो कहते हैं कि समाधि अवस्था में आती है यहाँ तो चलते फिरते आ सकती है वह पावर वह एनर्जी के रूप में हमारे अंदर वो कर्म की ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है कर्म की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा ज्ञान की ऊर्जा दाई एनर्जी लॉर्ड वह वाइडनेस जो ना जाने कहाँ से माँ यहाँ माइंड के सारे पैराशूट खोल देती है जो आप गाँव में कल्पना नहीं कर सकते थे शहर में कल्पना नहीं कर सकते थे साधारण समाज में कल्पना नहीं कर सकते थे यहां आप उसको भगवान की लीला के रूप में देखते समझने लगते हो और वह आनंद वह wow, जॉय जिसके बारे में कहा गया है दुनिया से दो दु, दुनिया के अंदर तो दुख है कांटों की बाड़ी है भगवान का नाम लो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गो मूड मते अब यहाँ तो गोविंद ही गोविंद है चारों तरफ आप जॉय है ब्रीद करते हो ये ये बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं कितने लोगों का ये अनुभव है ये वर्ड नहीं बोल पाते होंगे लोग यहाँ पर उस चीज़ को स्पष्ट किया जा रहा है बस इतना और उसके कंडीशंस भी भक्ति जो इसमें सारे हैं क्राई टू द लॉर्ड ये सारी जो कंडीशंस है ह्यूमन हार्ट की जिसके कारण ये चीज प्राप्त होती है दाई एम्ब्रेस विच रेंड्स द लिविंग नॉट ऑफ पेन दाई जॉय ओ लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीद दाई मैजिक फ्लोइंग वाटर्स ऑफ डीप लव दाई स्वीटनेस गिफ्ट मी फॉर अर्थ एंड मैन आनंद प्रेम माधुर्य सौंदर्य ये चारों एक ही सत्य के चार हल्के हल्के फैसेट्स हैं जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है जो दुखी है उसका मतलब है उसके अंदर प्रेम नहीं है प्रेम की कमी है विटामिन एल की कमी हो गई है जहाँ जॉय है वहाँ आंतरिक सौंदर्य है जो आपके चेहरे पर भी निखार ला सकता है बिकॉज इनवर्डली यू आर हैप्पी एंड देर इज दैट जॉय और बी है जॉय आनंद आनंद इज डिफरेंट बट धरती के ऊपर लव बी और एक चीज़ और माधुर्य अगर आपके अंदर कठोरता है कर्कशता है मतलब अगेन प्रेम और जॉय की कमी है और इन सब के द्वार से जो एक अंतिम चीज़ जो जुड़ती है इस प्रेम के साथ है वो है हारमनी इसी में उसका रहस्य छिपा है इन लव इन दैट ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड लाइज द सीक्रेट ऑफ हारमनी स्वीटनेस इसीलिए माता जी यहां पर उसी की बात करती हैं देन ऑल द वुमेन यर्निंगली रिप्लाई दाई एम्ब्रेस विच रेड द लिविंग नॉट ऑफ पेन दुख दर्द का अल्टीमेट इलाज नॉट डोलो <laughs> बट दो दो भगवान को सब दे दो तो उनकी एम्ब्रेस मिलेगी एम्ब्रेस जब उनकी मिलेगी तो लिविंग नॉट ऑफ पेन ये नहीं कि मृत्यु के बाद तो ऐसे ही शांत हो जाता आदमी दुख दर्द कहते हैं ना अब इसका दर्द चला गया बेचारा कितने दर्द में था वेट चिंता मत करो आएगा अभी फिर आएगा लेबर पेन के साथ ही उसकी शुरुआत होगी दर्द ऐसे नहीं चला जाता कि मृत्यु से दर्द समाप्त हो गया वो तो कुछ क्षण के लिए वो भी पैसेज में भी बड़ा दुख दर्द है बाद में थोड़ी देर भगवान चासनी चटाते हैं हमको बेखुदी की फिर वापस फिर दुख दर्द इसलिए तो पुनरअपि जननी जठरे शैनम पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरनम वो कैसे लिविंग नॉट ऑफ पेन जीवित रहते हुए जीवंत सत्ता उसके अंदर पेन की समाप्ति ना केवल पेन का जाना बल्कि उसके साथ दाई जॉय वो लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीथ पेन चला गया ये एक, एक नेगेटिव स्टेट है जॉय दाई मैजिक फ्लोइंग वाटर्स ऑफ डीप लव जो खुश है ना व्यक्ति वही प्रेम कर सकता है क्योंकि वो खुश है वो बांटेगा वो खुशी को बांटेगा तो जब हम जॉय को बांटते हैं वो प्रेम का रूप लेता है और जो दुखी है वो बांटेगा मतलब वो चाहता है सबको लपेटना एक दुखी व्यक्ति बांटता नहीं है अपना दुख वो सबको अपने दुख के दायरे में खींचता ही लाइक एन एबिस जो हर चीज को अपने अंदर खींच करके उसको भी दुख से भर देती है ये डिफरेंस है और जॉयस व्यक्ति रेडिएट करता है जॉय बांटता है दाई स्वीटनेस गिफ्ट मी फॉर अर्थ एंड मैन ये चारों बोन्स केवल एक बार हम लोग केवल बोन्स पढ़ लेंगे जो सावित्री ये माँ की वाणी में बहुत सुंदर अद्भुत है ऑल थ्रू आई वॉज रिमेम्बरिंग सावित्री का जो म्यूजिक uh, है सुनील दाम का उसमें माता जी ने ये चा, ये पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है इतना पावरफुल है वो पीस ओ लॉर्ड A boon within to keep amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth, thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, my sweet infinity of thy numberless souls, thy energy, Lord, to seize on woman and man. To take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arms. Thy embrace, which rends the living knot of pain, thy joy, O Lord. In which all creatures breathe, thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men.